अभी गाइस ये हमारे दो पार्सल आए हैं, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते। ओए ऐसे नहीं फोटो खींचते ऐसे। बहुत अजीब लग रहे हो। एक हफ्ते वक्त नहीं खींचते तुम। एक ऐसे नहीं खींचते। नीचे ना गिर जाना यार। मेरी तो कभी तारीफ ही नहीं करती है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के यार। ये लड़की मम्मी So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। गाइस निधि जो है यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही है, आदू पड़ रहा है। मम्मी क्या कर रहे हैं? मम्मी मानो मैंने 3-4 महीने से कपड़े ही नहीं प्रेस किए। तो कौन करता था? इतने ज्यादा हुए पड़े, कोई नहीं करता था। ऐसे पहन लेते थे। जाना भी नहीं हो रहा ना कहीं पे, ये भी तो है। जवाक देखो किदा कमले हो जाते जो मच्छर मारने वाली मशीन आती है। असि भी किसी टाइम ऐदा ही होंगे होंगे कमले, अभी तो चपेड़ा मारते होंगे सी। मच्छर पहली बार देखी है। हाँ, देखना गाइस ऐसे लग रहा है हम शिमला में बैठे हैं। देखो ये होता है मच्छर मारने के लिए। आई तो थी पिछली बार भी, हर साल आती है। ऐसी आती है स्मेल इसकी। हम पता क्या करते थे, हम भी खेलते थे ऐसे और चुपेड़ा मारते थे धुएं के बीच एक दूसरे के, खींच खींच के, पीछे भागते थे गली में एंड तक मेरे। आप में से कोई भी करता था गाइस ऐसे तो बताना है जरूर। तो गाइस अभी ना मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सलूशन बताने वाला हूँ, जिनके बारिश के वक्त पानी अंदर आ जाता है, या फिर कह लो कि जब पानी खड़ा हो जाता है बारिश के वक्त, वो जैसे वेव बनती है ना, तो वो उस वजह से घर में पानी अंदर आता है। हमारे भी उसी वजह से आता है, तो मैं सलूशन बताने वाला हूँ। लेकिन अब लोग कई लोग बोलेंगे कि आपके अंदर आपके घर के अंदर खुद आ जाता है, तो आप कैसे सलूशन बताओगे? तो सलूशन हमारा काम करता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि मैं सो रहा था और मम्मी ने वो प्लेट जो है गलत लगा दी थी। तो मैं आपको ना पहले वो प्लेट दिखाता हूँ। उनको ये हमने ना प्लेट बनवा रखी है, ये लोहे की प्लेट है। जो ये चीज़ है ना, ये वेल्डिंग हुई हुई है, ठीक है। ये ना पूरा एंगल बना हुआ है ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये प्लेट निकल जाती है। तो मम्मी ने उस दिन क्या करा, ये जो रबड़ वाली साइड है ये अंदर को आनी होती है, ये मम्मी ने बाहर की साइड कर दी थी, इस वजह से पानी अंदर आया। लेकिन फिर मैंने निकाल के सही तरह से लगाई थी, फिर उसके बाद 1% भी पानी नहीं आया। तो आप क्या कर सकते हो, अपने मेन गेट पे जिनके गेट छोटे हैं वो ऐसे एंगल बनवा लो और एक प्लेट साइज़ की बनवा लो, ठीक है, वेल्डिंग वाला बना देता है। और जब भी मतलब कि बारिश आए तब आप इस प्लेट को ऐसे अंदर डालो, यहाँ से ऐसे पेच को जो है कस दो, बस आपका सलूशन। मैं कह रहा हूँ एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। और जिस दिन से हम लोगों ने ये प्लेट लगाई है उसके बाद पानी आया ही नहीं है। मम्मी ने गलत लगा दी थी उस दिन, बस इस वजह से पानी आया। वैसे हमारे पानी आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता प्लेट लगाने के बाद। हार्डली 5 या 10 मिनट लगते हैं प्लेट लगाने के लिए। तो आप ये बनवा सकते हो अपने घर पर भी। और मम्मी यहाँ पर जो है अपना व्लॉग देख रहे हैं। गलत लग गई सी मेरे को, पता नहीं ना भुल गई सी, हर बार ही लाने पर भुल जाएगा, ता करके नहीं तो पानी आना नहीं सीगा अंदर। और एक बार हमारे पहले भी आया था पानी, तब हम पटियाला गए हुए थे तब प्लेट नहीं लगाई थी। तो बहुत ज़्यादा जब 8-9 घंटे की बारिश हो जाती है ना उसके बाद पानी खड़ा होता है हमारा, पर अब वो भी नहीं खड़ा होगा। अब क्या कहते हैं, जो सीवरेज वगैरह प्रॉपर साफ किए गए हैं, रोड प्रॉपर बन गई है, तो बढ़िया अब। तो गाइस अपना पार्सल आया है नया। मम्मी अपना है व्लॉग। मम्मी को गाइस हम लोगों ने काम पे लगा दिया है, वीडियो बना रहे हैं पहली बार। ये गाइस हमारी, हाँ सच में हिमाचल गए थे, मम्मी ने बनाई थी गाइस निधि की रील। और अभी मैंने मंगाए थे घर पहनने के लिए क्रॉप, मैंने ना जानबूझ के गाइस दो मंगवाए, मैं कहा जो पसंद आएंगे वो रख लूंगा। पर नहीं यार, उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया निधि, जो पहले वाले आए थे ये किसके एशियन की ओन नहीं चल रहे हैं और की पर वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं थी। देख मैंने तो आप सोने लग गया। एक तो ना यार मुंह में छाले हो रखे हैं, तो अभी अमरूद के पत्ते मंगवाए थे तो इनको धो के चबाते हैं। जिनको नहीं पता बता देता हूँ भाई, मेरे लिए तो ये नुस्खा काम करता है। अगर आपके मुंह में छाले हो जाएं तो आप अमरूद के पत्ते लो, उनको अच्छे से धो और उनको चबाओ, आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। तो अभी इनको धोते हैं और चबाते हैं फिर।
अमरूद के पत्ते चबाने हैं आपने, क्योंकि अमरूद के पत्तों में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे हमारे छाले छुले ठीक हो सकते हैं। ज्यादा भी नहीं खाने हैं, 2-3 पत्ते खाओ बस, बहुत है। डुगू जी, एक खुशखबरी है, गाड़ी आने वाली है अपनी। चलो फाइनली बुधवार को मिल जाएगी, आज कॉल आई थी अभी। तब तक हमारी रोड भी बन जाएगी, शायद बन रही है ना। पूरा एक महीना हो गया हमारी गाड़ी को गए हुए, और आज मेरे को कॉल आई कि आपको वेंसडे जो है गाड़ी मिल जाएगी। सारी गाड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन सनरूफ रह गया था, तो फिर उसको आने में टाइम लग रहा था, सनरूफ अवेलेबल नहीं था, थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे, तो फिर मैंने वो भी चेंज करवा ही दिया। बाकी मिल जाएगी यार वेंसडे को, मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ यार। अपनी गाड़ी को कि हमारी? हमारी को। तो अभी गाइस ये हमारे दो पार्सल आए, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक तो इसमें है क्रॉक्स और एक है जतिन की टी शर्ट। मम्मी ने जो ऊपर व्लॉग नहीं बनाया अभी, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ये मैंने एक तो ऊपर जो अभी ओपन करे वो, और एक ये क्या हुआ, क्रॉक्स, दो मंगाया मैंने, तो जो पसंद आएंगे ना वो रख लूंगा। वाओ, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, बट ये पहले से ही गंदे डुगू, और गंदे ये पता क्या, मेरे को लग रहा है किसी ने वापसी करी होंगे, वही भेज दिए, मैले हो रखे हैं। हाँ, वीडियो में नहीं दिख रहा पर मैले हैं यार, ये देखो है ना। मैले हो रखे हैं यार ऑलरेडी। यार ये बात गलत नहीं है यार, आप कम से नहीं अच्छे तो हैं, कम से कम आप फ्रेश पीस तो भेजो। क्वालिटी वाइज अच्छे है, पर क्वालिटी सही है, फ्रेश पीस नहीं है। बट रुको जा पहन के तो देखो, सही लग रहे हैं डुगू। परफेक्ट है, साइज मेरे को भी आ जाएगी, देखना इसको कैरी परफेक्ट है। हाँ, तो मैं भी लगा सकती हूँ। ये देख और अपना देख। पर ना मैं सही बताऊँ, ये क्वालिटी वाइज अच्छे है, ठीक है, बट वो वाले ना लुक वाइज ज्यादा है ना, वो वाले ज्यादा अच्छे है ना, वो उसका साइज बड़ा, ऐसा करता हूँ ये रिटर्न कर देता हूँ। वो एक्सचेंज कर लेता हूँ ना, ये ले रख देना, दूसरा पार्सल खोला है। मैं खोलूंगी, मैं खोलता हूँ ना, अरे मैं खोलता हूँ, ये ले खोल। ओ भाई ये बहुत अच्छी है, ये तो मैं भी पहन सकती हूँ। ये पता कैसे लग रही है, जैसे कार्डिगन होती है लड़कियों की, लड़कियों के या लड़कों की? लड़कियों की कार्डिगन होती है, और नहीं कुछ, लड़कियों की कार्डिगन ऐसी अच्छी लग रही है यार, मस्त लगूंगा हीरो इसमें। सही है, कितने की मंगवाई? 1100-1200 रुपए की थी, थोड़ी महंगी है, पर यार यूनिक सा कुछ मिलता ही नहीं है फिर सस्ते में, ठीक है 1100। लंबी नहीं है, स्मॉल साइज, इतना लंबा? अरे हाँ इसके साइज बड़े ही है, बढ़िया लगते हैं मेरे को ऐसे कपड़े, इसमें गर्मी तो नहीं लगेगी यार। पहन के दिखाओ फिर फटाफट में। 2 मिनट रुको गाइस, अभी हीरो बन के आता हूँ मैं। तो गाइस कैसी लग रही है, हीरो लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ धर्मपत्नी जी? नहीं बचाइए। सही लग रही हो, सही है, पर मेरे को ना लग रहा हूँ हीरो पूरा, शाहरुख खान। चुप कर बे कुत्ते, झूठ बोलो, मीशो से आया हुआ शाहरुख खान। हाँ सच बोल, सही है, ठीक है, रंग खिल रहा है। हाँ सही है, ठीक लग रहे हो। हाँ इतने भी सुंदर नहीं लग रहे हो, बट मेरी तो कभी तारीफ ही नहीं करती है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, यार ये लड़की मेरी कभी तारीफ नहीं करती है। मम्मी आपने जिस लड़की से मेरी शादी करी है ना, वो मेरी तारीफ नहीं करती। मम्मी भी लाइक, आपने जिससे मेरी शादी करी है ना, वो मेरी तारीफ नहीं करती। कैसा लग रहा हूँ? देखिया एक मां नू अपना पुत हमेशा वधिया लगदा हुंदा, चाहे मैं फटे कपड़े खड़ा हां, चाहे मैं बनैन च खड़ जांदा हां। अच्छा मजाक कर रहा हूं गाइस, मैं खुद तो देखू कैसा लग रहा है, ठीक तो लग रही है यार। अब मैंने आपकी तारीफ, मैंने भी तो बोला आप अच्छे लग रहे हो डुगू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं आपकी तारीफ नहीं करती? मजाक कर रहा हूं। नहीं मेरे को नहीं पता मजाक, ऐसा मजाक मुझे नहीं पसंद। ओए ऐसे नहीं फोटो खींचते, ऐसे कैसे खींचते ऐसे, बहुत अजीब लग रहे हो। एक हगते वक्त नहीं खींचते ऐसे फोटो, एक ऐसे सुपर मॉडल्स, ज़ारा मॉडल, एक ऐसे नहीं खींचते नीचे ना गिर जाना यार। तो जस्ट व्लॉग एडिट कर रहा है, यही था आज का दिन और आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेट आ रहा, बाय, लव यू।